ये लोगों का आक्रोश जो जेपी ग्रुप के नोएडा सेक्टर 128 दफ्तर पर फूटा है। जेपी के दिवालिया घोषित होने के बाद सबके घर का सपना अधर में लटक गया है। कई खरीदार तो ऐसे हैं जो 9-10 साल से फ्लैट का इंतजार कर रहे हैं। मैंने अपना फ्लैट जेपी अमन में 2009 में बुक कराया हुआ है। तब से हम बैंक की ईएमआई भी दे रहे हैं, रेंट पे भी रह रहा हूँ, बच्चे की फीस भी दे रहा हूँ, और आज कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा लग रहा है कि हम बायर्स कहीं के भी नहीं रहे। हमको कुछ भी कहीं से भी आश्वासन नहीं मिल रहा है कि हम कहाँ जाएं। मैंने 2009 में यहाँ फ्लैट बुक किया था और आज तक हमें हमारे फ्लैट का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। खंडहर खड़े हुए हैं और जिस तरीके की ये नई प्रॉब्लम आई है उससे हमें लग रहा है कि वो खंडहर की तरह ही खड़े रहेंगे। हमें अपना फ्लैट नहीं मिलने वाला है, हमारा पैसा सारा डूब गया है। बिल्डर से हम यही कहना चाहेंगे कि जब हमसे पैसा लिया तो पैसा उनने लगाया कहाँ? उनने पैसा हमसे लिया, हमें जमीन बेची जेपी एसोसिएट के नाम पे फ्लैट बनाए गए, पैसा जो लिया गया वो जेपी इंफ्राटेक के नाम पे लिया गया। ये जो साइफनिंग ऑफ फंड्स हुई है इसके अच्छे से एक तहकीकात होनी चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ और कैसे करने दिया गया। रियल इस्टेट सेक्टर में समस्या कितनी गंभीर है आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर परेशान हैं, बड़ी उम्मीद से आए हैं मगर इनसे अब तक कोई मिलने नहीं आया। कोई भी प्रतिनिधि या सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इनसे अब तक मिलने नहीं आया है और इनके पास अब कोई चारा नहीं है। बहुत से लोगों से मैं यहाँ पर मिला, उनका कहना है कि वो सुसाइड तक करने वाले हैं। उनके दिमाग में ये बात आ चुकी है कई बार कि वो आत्महत्या कर लेंगे। लोगों का ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी इंफ्राटेक को दिवालिया घोषित होने की कगार पर खड़ी कंपनियों की लिस्ट में डाल दिया है। हम लोग लुट गए हैं जी, सड़क पे आ गए हैं इसलिए हुए हैं। पैसे हमने दिए हैं इनको 50-95%, फ्लैट हमारे हैं। बैंक कहते हैं हम इसको ऑक्शन करेंगे, हम अपने पैसे रिकवर करेंगे। जेपी ने हमारे पैसे का क्या किया क्या नहीं किया भगवान जाने। इन लोगों ने कहानी मारी जिल जैल करके हम लोगों को गड्ढे में डाल दिया जी। इसमें क्या है कि एक बहुत ही सोची समझी साजिश है जेपी की और इसमें कुछ एक्सटेंट तक हमें लगता है बैंकों का भी इन्वॉल्वमेंट है। बैंक भी इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पिछले 7-8 साल में हम हाउस बायर्स ने करीब 25,000 करोड़ रुपए जेपी इंफ्रा को दिए हैं और जेपी इंफ्रा ने कभी कॉन्ट्रैक्टर के नाम पे, कभी डिविडेंड के नाम पे, कभी शेयर सेल के नाम पे, कभी सीमेंट परचेज के नाम पे, हर तरह से ये पैसे सारे जयप्रकाश एसोसिएट्स को पे कर दिए हैं। हमें बोला जा रहा है कि हाँ अब आपको पोजीशन अभी मिल जाएगा तभी मिल जाएगा, तो लेकिन ऑब्वियसली इट्स बीन नाउ 9 ईयर्स एंड आई रियली वांट टू रिक्वेस्ट मिस्टर मोदी टू इमीडिएटली लुक इनटू दिस मैटर एंड क्लोज दिस। NRI का प्रोपोर्शन इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज इज अ वेरी बिग एंड आई लिव इन लंडन, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग अ वेरी बिग प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु हैव इन्वेस्टेड इन जेपी। यहाँ आज कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं है हमारी समस्याओं को समझने के लिए? सारे बायर धूप में छोटे छोटे बच्चों को लेकर के मर रहे हैं, खप रहे हैं। यहाँ कोई नहीं है हम लोगों को सुन रहे। और ऐसे जाने कितने प्रोजेक्ट आ गए 3 साल से, गवर्नमेंट ने किया क्या? अगर बीजेपी को भी आए हुए इतना टाइम हो गया तो बीजेपी कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती है, कांग्रेस दूसरे को, समाजवादी पार्टी को, सब एक दूसरे को बोलते हैं। पैसा किसका गया? बायर का। और आज लोग टीवी पे बोलते हैं कि बायर्स की गलती थी। क्या हम कानून पढ़ के आते हैं यहाँ पर अपना पैसा लगाने के लिए? हम सिक्योरिटी के लिए आए थे, बैंक को साथ में लेके आए थे, पूरा पैसा हम लोगों का जा चुका है और आज हम यहाँ खड़े हैं क्योंकि हमें बोल दिया कि हम तो कुछ किसी भी कैटेगरी में आते ही नहीं है। कंपनी के डायरेक्टर मनोज गौड़ जैसे ही लोगों से मिलने के लिए पहुंचे तो ऑफिस में हंगामा शुरू हो गया। ऑफिस के अंदर बड़ा अभियान चलाया लोगों ने लेकिन सबके सब लाचार दिख रहे हैं और कोई इनकी नहीं सुन रहा है। आखिरकार जेपी ग्रुप प्रमुख मनोज गौड़ को होम बायर्स के सामने आना ही पड़ा। इसके पीछे क्या मंशा रही, होम बायर्स की पीड़ा या फिर डैमेज कंट्रोल करने की सुनियोजित नीति? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।